नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आज आपके सामने लेके आने वाला हूँ एक इंटरव्यू। ये इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है और क्या क्या प्रोसीजर होता है यूएस में पढ़ने के लिए। तो अभी अपन करते हैं गूगल हैंगआउट पे कॉल अभय। उनका एक यूट्यूब पे चैनल है द ग्लोबल इंडियन, वो अभी यूएसए में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या समस्याएं आती है स्टूडेंट के लाइफ में। तो चलिए उनको लगाते हैं कॉल। हेलो भाई, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल बढ़िया, अमित भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, मेरे को बहुत लोगों ने डिमांड कर रहा था कि यार स्टूडेंट वीजा के ऊपर आप बनाओ, स्टूडेंट वीजा के ऊपर बनाओ, और आपका मेल आ गया कि सर अमित भाई चलो बनाते हैं कुछ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपका नाम क्या है। श्योर, डेफिनेटली। तो मेरा नाम अभय शर्मा है। ठीक है, और आपका यूट्यूब में भी एक चैनल है, वो यूट्यूब के चैनल का क्या नाम है? वो यूट्यूब का चैनल बेसिकली उसका नाम है द ग्लोबल इंडियन करके, और उस चैनल पे बेसिकली मैं स्टूडेंट वीडियोस डालता हूँ, मेरी अपनी लाइफ जो मैं शेयर करता हूँ सबके साथ कि हाउ टू लाइक गेट अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ टू गेट अ क्रेडिट कार्ड। तो ये सभी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और मैं अपना यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ, यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीजें जो मैं करता हूँ, ताकि सभी लोगों को एक आइडिया हो कि कैसे आपको फील होता है जब आप यूएस में आते हो एज अ स्टूडेंट और लाइक एनी अदर डिफरेंट, और आपको कैसे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस पे बनाई है मैंने वीडियो, और सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड, तो सब वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको यूएस में पढ़ना है तो वो आपके चैनल से बहुत कुछ सीख सकता है, ए टू जेड, मतलब कैसे क्या उसकी लाइफ स्टाइल होगी, ये सब चीजें वो देख के सीख सकता है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी एज क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आपको कब लगा कि यार यूएसए में पढ़ना चाहिए, क्यों लगा ऐसा? क्योंकि कई लोग बोलते हैं इंडिया में भी तो आईआईएम है और आईआईटीज हैं और अच्छे अच्छे एजुकेशन सिस्टम है, तो आपको क्यों लगा कि यूएसए में पढ़ना चाहिए, और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग से अपने शब्दों में बताइए तो हमको ज्यादा अच्छा लगे। चलिए ठीक है, तो बेसिकली यूएस में आना मेरे को 10th 11th जब मैं कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा आइडिया था कि मुझे पढ़ना है। अब वो आइडिया कैसे आया, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा को बहुत घूमने का शौक है, तो वो हमें अलग अलग कंट्रीज में लेके जाते थे दो दो साल के बाद, कभी ना कभी कभी मलेशिया, सिंगापुर, चाइना। तो मुझे बाहर का जो कल्चर है, मुझे डाइवर्सिटी बहुत अच्छी लगी, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप कितना कुछ सीख सकते हो अलग अलग कंट्रीज में जाके, एंड बेसिकली आप अपने आप को कैसे बिल्डअप कर सकते हो डिफरेंट लोगों से मिलके आसपास, ये वो। तो मैंने जैसे 12th किया, 12th के बाद मेरे पेरेंट्स थोड़ा डिसएग्री कर रहे थे, कहते कि अभी अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे करो, मास्टर्स के लिए चले जाना, जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं नॉर्मली, तो समझ आ जाएगी। तो फिर जैसे कि मैंने 12th किया, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, पटियाला से हूँ मैं ओरिजिनली, पंजाब, पर मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहाँ पे मैंने एक साल कॉलेज किया, उस एक साल में हम यूएस का ट्रिप हमने किया एक्चुअली। तो यूएस का ट्रिप जैसे किया तो घर वालों ने देखा कि हाँ यहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा है, और फिर मेरा ख्याल दोबारा से आना शुरू हुआ कि मैं पूना कॉलेज यहाँ पे किया जाए। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने अग्री किया, मेरी फैमिली भी है यहाँ पे, तो फिर लाइक चार पाँच घंटे का रास्ता है, तो उन सबको वो फैक्टर्स जो उनको सेटिस्फाई करे, उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि अब मुझे पढ़ना चाहता हूँ अंडर ग्रेजुएट, और मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे ये बेनिफिट है, 4 साल की डिग्री है, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी है, अमेरिकन एजुकेशन इज नॉन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो मैंने कन्विंस करके अपने पेरेंट्स को डिसाइडेड टू कम हियर इन 2015। अब 2015 फॉल में मैं जैसे ही आया, तो एकदम न्यू एनवायरनमेंट, कोई आइडिया नहीं, और मेरा कजन, मेरा मासी का बेटा, ही आल्सो डिसाइडेड टू गो सेम कॉलेज, मेरे कॉलेज में, तो उसने भी मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया। तो हम दोनों ने इकट्ठे आने का प्लान किया, और 2015 से बेसिकली अब 2.5 साल हो गए हैं। तो 2.5 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कई ऐसी चीजें सीखी जिसका आइडिया नहीं था, कई ऐसी चीजें पता लगी इसका इंडिया में हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत
तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ नॉट जस्ट इंडियंस, यहाँ पे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो अभी मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, अभी मैंने यूट्यूब चैनल भी इसलिए बनाया है सबको हेल्प करने के लिए बेसिकली, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और काफ़ी लोगों को आइडिया हो जाए जो आना चाहते हैं या फिर कैसे दिखता है यूएस बेसिकली, अब कैसे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ऑन कैंपस जॉब कर रहे हैं कैसे करना है, ऑल दैट मैं शेयर कर सकूँ। अभी आप अपने चैनल पर तो बताएंगे, लेकिन एक एक करके आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, जनता आप चाहती वाला हिसाब है। तो सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, नंबर छोड़ो जो भी है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको यूएसए पढ़ने जाना है, तो सबसे पहले ख्याल आया होगा कि यार आयल्स दें कि टोफल दें, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, तो सबसे पहले आपने कौन सा एग्जाम दिया वो बताए। बिल्कुल, तो सबसे पहले जैसे कि मुझे पता लगा कि SAT देना पड़ता है और TOEFL देना पड़ता है, मुझे ये श्योर नहीं था कि IELTS एक्सेप्ट होता है कि नहीं, पर मुझे ये पता था अमेरिका है, अमेरिका में TOEFL सबसे ज्यादा जाना जाता है, पर मेरे काफी दोस्त यहाँ पे IELTS करके भी आए हैं, तो इट्स वेरी गुड कि IELTS दें, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। तो मैंने TOEFL का एग्जाम जो है वो मैंने SAT के बाद में दिया, तो जो SAT उस टाइम था 24 out of 2400, इसमें 3 सेक्शंस होते थे, मैथ्स, रिटन और कुछ ऐसा रीडिंग करके ले, इट वाज ऑल 800 पॉइंट्स का था, 800 कर करके 3 में डिवाइड था, तो वो मैंने SAT एग्जाम दिया। SAT एग्जाम में मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, इसके बाद की मैंने TOEFL एग्जाम दिया। TOEFL मुझे SAT के लाइक काफ़ी मुझे अच्छा ईजिली लगा, क्योंकि अगर मैं सीधा TOEFL की तैयारी करता तो मेरे हिसाब से SAT इज मोर एडवांस, तो इसलिए मैंने SAT का एग्जाम दिया। मेरा स्कोर हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो ओके मेरे हिसाब से लाइक 1600 out of 2400, तो वो मैंने SAT दिया, एंड देन TOEFL में मेरा स्कोर था 108 out of 120। बट TOEFL में एक जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी थोड़ा अनोइंग लगा कि टाइम लिमिट पे चलता है सब कुछ, आप कंप्लीट भी कर लोगे तो भी आपको बैठे रहना पड़ेगा कि ये मतलब कि जो भी है। तो IELTS में मैंने जो अंतर देखा है वो सबसे बड़ा ये है, मैं तो लोगों को रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है TOEFL और IELTS का, तो IELTS का दीजिए, क्योंकि IELTS में 2 घंटा 45 मिनट वाला है, जल्दी आपका निपट जाएगा, प्लस जो आप इंटरव्यू दोगे एक पर्सन को दोगे, ना कि कंप्यूटर पे बात करोगे जब आपका स्पीकिंग वाला सेक्शन आएगा। तो मेरे सजेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, TOEFL और IELTS अगर दोनों देना, मतलब दोनों का ऑप्शन है तो IELTS देना ज़्यादा बेटर रहता है ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैंने दोनों दिया है, इससे मुझे समझ में आया कि IELTS ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू TOEFL, क्योंकि लेंदी हो जाता है ना, और कुछ नहीं, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो आपको जो देना आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो SAT एग्ज़ाम होता है वो कैसे दिया जाता है, क्योंकि सबको TOEFL और IELTS के बारे में तो अच्छे से पता है कि वेबसाइट में जाते हैं और रजिस्टर करते हैं और फिर दे देते हैं, लेकिन SAT एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। आपने GMAT भी सुना होगा, GRE भी सुना होगा, SAT भी सुना होगा, तो कौन लोग SAT देते हैं, कौन लोग GRE देते हैं, कौन लोग GMAT देते हैं, तो ये थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली, तो SAT स्टार्टिंग फ्रॉम SAT, SAT बेसिकली सभी लोग जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि 12th के बाद, 12वीं के बाद जो पढ़ना चाहते हैं US में, तो उन सब के लिए SAT इज द एग्जाम जो आप दे सकते हैं, और उस एग्जाम बेसिकली आपको एक्सेप्टेंस उसी के बेसिस पर मिलती है, उसके स्कोर्स के बेसिस पे, अदर देन TOEFL भी उसके साथ ही चलता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेन चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको, लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए GRE, GMAT बेसिकली MBA के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। बेसिकली अगर 12वीं के बाद आना है तो आपको SAT देना है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद आप आ रहे हो मास्टर्स करने के लिए तो आपको GRE देना है या GMAT देना है, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि आप जब SAT की तैयारी कर रहे थे तो आप घर में खुद से अपनी तैयारी किए कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, कैसा था प्रिपरेशन कैसे किया? बिल्कुल, तो SAT का लेवल जब मैंने तैयारी शुरू करी मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, पर मैंने लाइक स्टार्टिंग से इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम में मेरी एजुकेशन हुई है, तो मुझे उसका काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कैचअप करना था, जैसे कि रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में मैं थोड़ा स्लो हूँ, तो मुझे था कि मैंने अपने आप को टाइम करना है, टाइम करके रीडिंग करना है, तो मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए ऑनलाइन, जैसे कि SAT कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट है जहाँ पे आप SAT का एग्जाम रजिस्टर करते हैं, तो वो कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे आपको सैम्पल एग्जाम्स मिल जाएंगे जो आप ट्राई कर सकते हैं घर में बैठ के। सो मैंने मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन जो है अपनी तरफ से भी की,
मैं कोचिंग सेंटर्स में भी गया काफी, नॉलेज वहां से भी मैंने लिया, पर बेसिकली मुझे खुद इतना डिटर्मिनेशन था, आई वाज लाइक कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ तो मैं अपने बेसिस से ही करना चाहता हूँ. तो मैंने काफी कोचिंग सेंटर ट्राई किया, आप कोचिंग सेंटर भी जा सकते हैं. और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया बेसिकली SAT का. तो एग्जाम का प्राइस आई थिंक सो वाज $100, क्लोज टू $100, पर अब आज के टाइम में मुझे पता नहीं है कि क्या प्राइस है एग्जाम का. एंड एक और बैरन SAT करके एक रिसोर्स बुक है, दैट वाज वेरी वेरी प्रोफेशनल बुक है, कि जिसने बैरन रख लिया दैट्स लाइक यू आर गुड फॉर SAT. तो बैरन का SAT याद रखना, प्रैक्टिस अच्छा करना, इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रैमिंग. वोकैबुलरी में आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, पर रीडिंग में, पढ़ने में, लिसनिंग में, लिसनिंग प्रैक्टिस करना, स्पीकिंग बहुत. लोग रीडिंग को सोच रहे होंगे कि ये रीडिंग में इतना दिक्कत क्यों आ रहा है, एक्चुअल में मैं इसको आपको आपके पॉइंट को और क्लियर कर देता हूँ. एकेडेमिक रीडिंग होती है, जो एकेडेमिक रीडिंग होती है वो टफ पड़ती पड़ती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, अगर आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो उसके कम्पेयर में. बिल्कुल, एकेडेमिक रीडिंग का लेवल थोड़ा सा हाई होता ही है, और उतने टाइम में आपको खत्म करना है और इतने लंबे लंबे पैराग्राफ है उसमें आपको पर्टिकुलरली निकालना, तो एकेडेमिक रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल. अब अगला क्वेश्चन है कि जब आपने SAT कर लिया, उसके बाद आपने TOEFL भी निकाल लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस था, कॉलेज को आपने कैसे कांटेक्ट किया और वीजा का प्रोसेस कैसे हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए. दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 आपको द ग्लोबल इंडियन के चैनल पे मिलेगा, जहाँ पे जाके आप पार्ट 2 देख सकते हैं, और के कमेंट सेक्शन को जिंदाबाद सेना के कमेंट से भर दीजिएगा.